देश में जहां एक तरफ टैक्स और जीएसटी कलेक्शन लगातार बढ़ने के आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश की बड़ी इंश्योरेंस कंपनियों पर टैक्स पेमेंट में गड़बड़ी करने की बात सामने आई है। दरअसल पिछले साल आईटी डिपार्टमेंट में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी कि डीजीजीआई के साथ मिलकर एक जांच शुरू की थी, जिसमें सामने आया कि देश की कुछ बीमा कंपनियां कमीशन के नियमों की अनदेखी कर रही थी। ये कंपनियां एजेंट्स और मीडिएटर्स को परमिशन से ज्यादा पेमेंट कर रही थी और ऐसी पेमेंट्स फर्जी चालानों के आधार पर की जा रही थी। इसके साथ ही बीमा कंपनियों पर आरोप है कि उन्होंने री इंश्योरेंस प्रीमियम पर को इंश्योरेंस कंपनियों से कमीशन वसूला लेकिन टैक्स का भुगतान नहीं किया। आईटी डिपार्टमेंट के मुताबिक बीमा कंपनियां और उनके इंटरमीडिएटरीज ने इनकम को दबाकर और फर्जी खर्चे दिखाकर 1 जुलाई 2017 से करीब 30,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। अगर इस रकम पर ब्याज और जुर्माना भी जोड़ा जाए तो ये अमाउंट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। बता दें कि जीएसटी की शुरुआत साल 2017 में ही हुई थी। वहीं अगर डीजीजीआई की बात करें तो वो ऐसे मामलों की जांच कर रहा था जो इंश्योरर्स बिना गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के मीडिएटर्स के नकली चालान का इस्तेमाल करके इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे थे और इसमें 3500 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की बात सामने आई। ईडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आयकर विभाग ने बकाया वसूलने के लिए बीमा कंपनियों को टैक्स डिमांड नोटिस भेजने की तैयारी कर ली है। हालांकि बीमा कंपनियों को नोटिस भेजने के बाद जवाब और पेनल्टी भरने के लिए उचित समय दिया जाएगा। कुछ अधिकारियों का कहना है कि कुछ मामले फर्जी सीएसआर खर्चों के भी पाए गए, जिसमें कि एडवर्टीजमेंट और इवेंट बिल को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, जिसकी सारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स जांच में मिल गई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि 30 बीमा कंपनियां, 68 टैक्स एजेंट्स और मीडिएटर्स इसमें शामिल थे, जबकि बाद में जांच का दायरा बढ़ा तो पता चला कि इसमें कई बैंकों के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने देश भर में इंश्योरेंस मीडिएटर्स के तौर पर काम किया। और जब ये जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि इंश्योरेंस कंपनियां बैंकों की कॉस्ट की पेमेंट तो करती थी लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रखती थी, यानी कि बीमा कंपनियों के साथ इस टैक्स चोरी में बैंकों का नाम भी सामने आया है। हालांकि ये बीमा कंपनियां कौन सी हैं जिन पर जीएसटी में गड़बड़ी का आरोप लगा है इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन हम आपको हर एक अपडेट देते रहेंगे। तो आप ऐसी ही न्यूज़ के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।